महाराजगंज में कुछ इंडस्ट्री लाने का प्लान है फिर आपका? जी, मैं पहले बताया कि जो जमीन हमारी एनटीसी की है वो जैसे ही खाली हमको मिलेगी उसके बाद हम लोग उस पर कहीं ना कहीं लाने वाले हैं। चलिए मंत्री जी के लिए तालियां बजा दीजिए, आप लोगों के लिए रोजगार के द्वार खोलेंगे। वो उम्मीद जता रहे हैं कि रोजगार के द्वार महाराजगंज में, क्योंकि आप लोगों के लिए यह नौकरी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपको इंडस्ट्री है नहीं। सर ये अच्छी बात है, आप आश्वस्त करें हमारे मन से, क्योंकि 2024 भी नज़दीक है, 2024 नज़दीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये आ रही है सर, विपक्ष आरोप लगाता है सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते हैं, मदरसे सर्वे करा देंगे, कभी आप कहेंगे कि मदरसों का सर्वे हो रहा है उस पर सवाल उठा रहे, बुलडोजर चल रहा है, वो कह रहे हैं कि एक विशेष समुदाय को आप टारगेट कर रहे हैं। तो आप क्या हिंदू मुसलमान के नाम पर चुनाव जीतेंगे मिशन 2024, या फिर आप विकास की उपलब्धियों को लेकर? देखिए ये आरोप तो 2019 में भी लग रहा था और मोदी जी का शुरू से रहा है, सबका साथ सबका विकास। और आप देख रहे होंगे कि जितनी भी भारत सरकार की योजना है या उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है उसमें ना जाति देखा जाता है ना धर्म देखा जाता है, जो पात्र व्यक्ति है उसको दिया जा रहा है, उसको लाभ हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने विकास के मुद्दे पे, जो भारत सरकार की हमारा डेवलपमेंट के काम है, जो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के डेवलपमेंट के काम है, और जो हमारे कार्यकर्ताओं का मेहनत है, जो जनता से कनेक्टिविटी है उनसे, उसके आधार पर हम 2024 पुनः जीत करके आने वाले हैं। लेकिन एक कॉमन सिविल कोड की बात आ रही है, फिर से चर्चा हो गई, जब 2016 में आपने यूपी में इसको बहुत जोर शोर से गरमाया था लेकिन शांत हो गए, अब 2024 आ रहा है, निकाय चुनाव आ रहे हैं, तो फिर से कॉमन सिविल कोड की बात करने लगे हैं योगी सरकार में बैठे मंत्री। अगर आप उत्तराखंड, एक छोटा राज्य है, वहाँ पर 2 महीने के लिए बकायदा वहाँ कमेटी गठित कर दी गई है, गुजरात में कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दी है, लेकिन यूपी में कोई रोड मैप नहीं है, और विपक्ष कहता है कि ये सिर्फ माहौल बनाएंगे, लाएंगे वाएंगे कुछ नहीं, सिर्फ चुनाव के लिए माहौल बना रहे हैं। देखिए जहाँ तक हमारे पार्टी का सवाल है, कॉमन सिविल कोर्ट हमारे एजेंडे में है, लेकिन भारत सरकार कहीं ना कहीं फेडरल स्ट्रक्चर पर विश्वास रखती है, और उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है आप जीएसटी काउंसिल को अगर देखें कि सबकी सहमति बना करके जीएसटी काउंसिल बना और बहुत अच्छे ढंग से जीएसटी काउंसिल काम कर रहा, उसी प्रकार से कॉमन सिविल कोर्ट पे भी हमारी पार्टी का मत है कि फेडरल स्ट्रक्चर सबसे आम राय बात करके सहमति बना करके तब उसको निश्चित तौर से जरूरत होगा तो लागू किया जाएगा। सर बिजली को लेकर बात हो गई, सड़क को लेकर बात हो गई, रेलवे को लेकर बात हो गई, लेकिन अब बात ग्रामीण क्षेत्रों में जो एजुकेशन लेवल है उसको लेकर भी करते हैं, स्वास्थ्य को लेकर भी करते हैं, क्योंकि कोविड का दौर भी आपने देख लिया है, क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर इस तरह की बीमारी दोबारा से आती है तो क्या महाराजगंज पूरी तरह इसके लिए तैयार है? देखिए जहाँ तक महाराजगंज के एजुकेशन का सवाल है, जब मैं आया था यहाँ उस समय गाँव में प्राइमरी पाठशाला भी नहीं था, आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि महाराजगंज में कोई भी गांव नहीं बचा है जहां पे प्राइमरी पाठशाला, जूनियर हाई स्कूल, और ख़ास तौर से यहां पर हायर एजुकेशन के लिए 2 डिग्री कॉलेज होता था, अभी एक राजकीय डिग्री कॉलेज भी हम लोग लाने का प्रयास किए, और प्राइवेट डिग्री कॉलेज करीब सैकड़ों की संख्या में यहाँ खुले। यहाँ पर नवोदय विद्यालय है, यहाँ पर समेकित विद्यालय भी है, हम अभी हाल ही में यहाँ पर हम लोगों ने केंद्रीय विद्यालय की स्वीकृति कराई है, पॉलीटेक्निक यहाँ पर है, ITI यहाँ पर है, और निश्चित तौर से भविष्य में और भी जो स्कोप होगा उसको ला करके हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में महाराजगंज को भी अग्रणी बनाने का प्रयास करेंगे।